यहां तक कि उनमें से किसी के मौत का वक्त करीब आता है, काला इन्नी तुब्दुल आन, तो कहता है अल्लाह मैं अब तौबा करता हूं। यानी मौत के वक्त अगर कोई तौबा करता है वो तौबा नहीं है। जामिया तिर्मिजी में हदीस है ना कि मौत के गरगड़े से पहले पहले तौबा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिंदा में पंजाब रियल टीवी। मैं और दोस्त अनमीत सिंह दिलप्रीत नाल एक वीडियो बनाई है क्रिएशन द अर्थ अली मिसा साहब दी है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗੁਨਾਹ ਕਾ ਖੌਫ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ चैनल सबसक्राइब अपना जरूर करो ता जो तुम आने वाली बाकी वीडियोज़ भी देख सको। रीसेंटली अपनी कम्यूनिटी टैब पर मैं एक पोल किया कि तुहानू किदां दियां वीडियोज़ देखने का ज़्यादा इंट्रस्ट है, सो जाके वो वाले पे पोल नू एक बार आपका आंसर जरूर दिओ। होएगा कि मैनू तुहाडी चॉइस जो मोस्ट ऑफ द लोगों की चॉइस की मैं पता लग जूगी, सो आप उस तरह का जो कंटेंट अपलोड करांगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुस्लिम हदीस है कि गुनाह मुमिन के लिए ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया हो, और मुनाफिक के लिए, फासिक और फाजिर शख्स के लिए ऐसे ये गोया नाक में मक्खी बैठी थी उड़ा दी, को बार ही नहीं उसका। ये मुमिन और मुनाफिक के अंदर फर्क है। बाकी जो कबीरा गुनाह है ये वाकई सिर्फ तौबा से माफ होते हैं, और जो छोटे गुनाह है वो बगैर तौबा के भी अल्लाह ताला खुद से माफ कर देता है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने जरिया बनाया हुआ है नेक आमाल को। इस हवाले से अगर आप सूरह निसा के अंदर एक आयत मुबारक है, बड़ी क्रिटिकल है, वो गालबन 31 नंबर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौन अन, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह ताला छोटे गुनाह वैसे ही माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, और तुम्हें हमेशा की इज्जत और इकराम वाली जगह में यानी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। बड़े गुनाहों से बचना है, वो बड़े गुनाह मैं बाद में बताता हूँ कौन से हैं। हमारी बात किस्मती है कि अक्सर गुनाह बड़े ही हैं, छोटे गुनाह जो हैं वो उसकी डिटेल, बल्कि छोटे गुनाहों के बारे में भी इत्तफाक है कि छोटा गुनाह भी जो हमेशा किया जाए तो वो बड़े की कैटेगरी में फॉल करता है। एक और आयत है सूरतुन नजम, अल्लाह ताला फरमाता है नेक लोगों के बारे में, अल्लज़ीना यजतनिबून कबाइरल इस्म, वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, वल फवाहिश और बेहयाई के कामों से, इल्ला लमम, हाँ मगर कभी कभार कोई छोटा मामला हो जाए। इल्ला लमम को अल्लाह ने भी छोड़ दिया, बड़े गुनाहों से बचो। इन रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तेरा रब वसत वाला है मगफरत के एतबार से, हुवा आलमु बिकुम, वो तो तुम्हें उस वक्त से जानता है, इज़ा अनशअकुम मिनल अर्द, जब तुम जमीन से उगे थे। हाय हाय, इंसान भी जमीन से हो गया, क्योंकि इंसान जिस मनी के कतरे की पैदावार है, उस वो मनी कैसे तैयार होती है, उस खुराक से जो जमीन से निकलती है। किधर तक अल्लाह ताला ने बात की है, ये अपन जड़ी वाइदा अंतुम अजिन्न, जड़ी में वीडियो दी स्टार्टिंग से गल की थी ना क्रिएशन द अर्थ वाली, ओदे जे इन्होंने बहुत सोहनी चीज समझाई है, वो भी पक्का देखियो। तुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, और जब तुम एक छोटे से एम्ब्रियो और जनीन की शक्ल में मां के पेट में होते हो, वो तो उस वक्त से तुम्हें जानता है। फला तु ज़क्कू अनफुसकुम, तो मत कहा करो मैं बड़ा परहेजगार हूं, हुआ आलमु बिमन इत्तका, उसे खूब मालूम है कि कौन कितना परहेजगार है। और जो खुदा आपको जमीन से उगते वक्त से उस एम्ब्रियो से लेकर पैदा होने तक और मरते दम तक जानता है, उसको उससे कुछ चीज छुपी हुई है। तो इसमें भी आया कि लबम, जो छोटी मोटी चीजें, वो अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों से बचना होगा। और एक और मैं क्रिटिकल आयत बता दूं, ये तो कहते हैं ना जनाब वो तौबा बस कर लीजिए, खाली खुली तौबा नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला खाली खुली तौबा को नहीं मानता। ये सूरह निसा के अंदर ही मसला नंबर मेरा 18 है, और वो बाई चांस आयत नंबर भी 18 है, गुनाह कबीरा और तौबा का बयान। अल्लाह ताला मानता है इन्नमत तौबतु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करना, लिल्लदीना यअमलून सूअ बिजहालतिन, जो कोई नादानी में गुनाह कर बैठे, सुम्मा यतूबून मिन करीब, और फिर फौरन ही तौबा कर, उसको तो मैं माफ कर दूंगा। फाउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे पर अल्लाह ताला रुजू फरमाएगा तौबा के साथ। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु, और उसकी तो कोई तौबा नहीं है, लिल्लज़ीना यअमलूनस सय्यिआत, जो के बुरे अमाल करते हैं,
हत्ता इदा हदरा अहद हुमुल मौत, यहां तक कि उनमें से किसी के मौत का वक्त करीब आता है, काला इन्नी तुब्दुल आन, तो कहता है अल्लाह मैं अब तौबा करता हूं। यानी मौत के वक्त अगर कोई तौबा करता है वो तौबा नहीं है। जामिया तिर्मिजी में हदीस है ना कि मौत के गरगड़े से पहले पहले तौबा है, नजा का वक्त आने से पहले पहले। उस वक्त तो फिरौन ने भी कह दिया था कि मैं रब्बे मूसा और हारून पर ईमान लाता हूं, तो अल्लाह तआला ने क्या फरमाया था, आल आन, अब ईमान लेकर आया। वो फिरौन जिन्हें 70,000 लोग का वो लल्लजीना यमूतून वहुम कुफार, ना उन लोगों की तौबा कबूल होगी जो कुफर की हालत में दुनिया से चले गए। उलाइक अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तआला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अब रह गया कि गुनाह ऑटोमेटिकली कैसे नेकियों से मुआफ होते हैं, उसका जिक्र भी अल्लाह तआला ने सूरह हूद के अंदर किया है। सूरह हूद के अंदर 114 नंबर गालबर आयत है, हाँ ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, व अकीमिस सलाता तरफ़ैन नहार, नमाज को कायम रखो दिन के दोनों सिरों पे, यानी उधर से आप फजर कह लें और इधर से मगरिब और इशा, वज़ुल्फ़ मिनल लैल, और रात में भी, इन्नल हसनात, बेशक जो नेकियां हैं, युज़हिबनस सय्यात, वो मिटा देती हैं बुराइयों को। कौन सी चीज मिटा देती है, नेकियां, और नेकी कौन सी जिक्र हुई, नमाज। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी जबरदस्त हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। उससे वैसे बाल लोगों ने गलत रिजल्ट भी निकाले हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर वो डेट्स भी मारते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स। मेरा मसला नंबर 106 बहुत पहले रिकॉर्ड है, आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है वैलेंटाइन डे के ऊपर, उसमें मैंने 17 हदीस बुखारी और मुस्लिम से बदनिगाही और इससे रिलेटेड बयान की थी, मैं आज स्किप करता हूँ। बार बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज यानी मदीने के किनारे पर मैंने एक औरत को गले लगा लिया, ना महरम औरत को, लेकिन मैंने उसके साथ वो एक्सट्रीम ताल्लुक कायम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, तो मुझे पाक कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ये गुनाह माफ़ कर देगा। और फिर आपने ये सूरह हूद की आयत नंबर 114 तिलावत की कि नमाज को कायम रखो दिन के दोनों किनारों के ऊपर, रात के औकात में भी, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। लेकिन ये उस सूरत में जब एक आध दफा गलती होगी, इस पे भी इजमाए उम्मत है कि छोटे गुनाहों को छोटा समझ के बार बार करना खुद गुनाह कबीरा और बगावत है। इदा नहीं कि जानबूझ के करी चलो कि चलो बाद नमाज पढ़ के जां पाठ करके जां पूजा करके असी ठीक हो जाएंगे, है ना, वो काम नहीं। उही जड़ा हज वाली गल दसी सी एक करी कि कई लोग पूरा साल इदा दे काम करते कि असी हज ते जावांगे उमरा करांगे ते साडी जिहड़ी आ माफ़ी सानू मिल जूगी, पर वो एक वारी है, बाय चांस जेकर गलती हुंदी है तां आई नहीं कि हर वारी एक वाक्य वाला छोड़ दिया। अगर वो हुजूर को इस वारी ये कहता यार सल्लम अभी तो माफ़ करवा लेता हूं मैं फिर जाके करांगा, तो फिर आपका क्या ख्याल आगे से फतवा क्या आता। ठीक है, तो गलती हो गई फौरन रुजू लाए। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ अगर किसी के घर के आगे से नहर बहती हो उसमें 5 दफा गुसल करे उसके जिस्म से कोई मैल उसमें बाकी रह जाएगा। साहबा ने कहा नहीं, तो फरमाया 5 नमाजों की मिसाल ऐसी ही है। हत्ता कि सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा, और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। आपको अगर मैं रमजान में नमाज पढ़ूं और अगले रमजान में ना, उसमें पहले अल्फाज है कि इंजीनियरिंग पहले हुई है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए तो नमाज छोड़ने से बड़ा गुनाह कौन सा है। सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक किताबुल ईमान चैप्टर में कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है, वो तो बहुत बड़ी अमलन कुफर की तरफ ले जाने वाली चीज है। ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है, तो एक नमाज से दूसरी नमाज दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाता है। इवन वो तो बुखारी मुस्लिम में आता है जब वुजू करते हैं तो उससे भी गुनाह धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये यानी कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होंगे, छोटे मोटे जो हैं वो इस नहीं। तो मैंने कहा ना जो कबीरा गुनाह जो है वो बदकिस्मती है कि सारे ही तकरीबन कबीरे ही हैं, और उसके लिए मिशकात के अंदर सर एक चैप्टर मौजूद है कबीरा गुनाहों के बारे में, उसमें आप जरा पढ़ के देख लें। शुरू में एक वो हदीस लेके आए वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तलावत की सूरतुल फुरकान की, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है, वल्लदीन ला यदउन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक वला यज़नून। 3 गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए सूरतुल फुरकान पढ़ के।
कि वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, यानी शिर्क सबसे बड़ा, शिर्क नहीं करते, दूसरा ना हक कत्ल नहीं करते, तीसरा वो जिना नहीं करते। फिर आप सल्लम ने यानी ये आयत जो है ये दलील के तौर पे बयान फरमाई, और इससे पहले फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है, और उसके बाद ये कत्ल करने वाला, और फिर इस तरीके से जिना। अच्छा, इसके बाद एक बुखारी में हदीस है कि बड़े गुनाहों में वालदैन की नाफरमानी, कत्ल करना और झूठी कसम उठाना। सर गिन दे जाओ, ये सिर्फ बुखारी मुस्लिम में जो बड़े गुनाह आ रहे हैं, सही ज़ईफ का चक्कर ही कोई नहीं, सिर्फ बुखारी मुस्लिम। फिर बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है कि झूठी कसम उठाना गुनाह कबीरा है। फिर अगली हदीस फिर बुखारी और मुस्लिम की है कि सात कबीरा गुनाह है, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, कत्ल करना, अल्लाह के हराम करने वाले को हलाल ठहरा लेना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भाग जाना, और पाक दामन औरतों पर तोमर लगाना। लो जी, फिर अगली हदीस भी बुखारी और मुस्लिम से, उसमें जना और शराब नोशी के बारे में आया कि ये कबीरा गुनाह है। सर ये तो बुखारी मुस्लिम की जो हदीसें हैं ना, उसमें ये चुगली, गीबत, ठीक है जी, वादा खिलाफी, बोहतान, आलमोस्ट ये सारे कबीरा गुनाह हैं। तो लिहाजा कबीरा सगीरा में ना आप मुस्लिम की वो हदीस याद रखें कि मुमिन के लिए छोटा सा गुनाह भी ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह भी ऐसा है जैसे एक मक्खी थी तो उड़ा दी। ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं है, अल्लाह तआला तो एक छोटी सी बात पर भी पकड़ लेता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कोई कोई बताता। हाँ ये जरूर बता दें सर, वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वो एक बड़ी फाहिशा औरत थी, उसने एक दफ़ा अपने मौजे में कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह चाहते यानी गलती बख्श देता जी, उसको तो बख्श दिया है, लेकिन ये कुरान हदीस में कहीं लिखा है कि फाहिशा औरत ये काम करेगी तो वो बेशक फाशी करती रहे मैं बख्श दूंगा? वो तो एक वाक्य है। तो सर एक और वाक्य जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि एक बड़ी नेकोकार औरत थी, ठीक है, और उसने सिर्फ एक बिल्ली को कैद कर दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, और उसकी वजह से वो दोजख में चली गई। ये नहीं बताते कि छोटी सी बात पे पकड़ भी लेते हैं, इसको फिर उन्होंने दूसरी तरफ किया हुआ है, कहते ताई तसी कहना नेकिया करने का क्या फायदा है, एक छोटी सी गल पता पकड़ा भी जा सकता है, वो दूसरे पास टुर पैदे सर, डरते रहे अल्लाह से हर वक्त, ठीक है, खुदा के साथ कमिटमेंट रखें और अल्लाह से कभी बेपरवाह ना हो, बेखौफ ना हो। तो ये जनाब ऑटोमेटिकली छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होंगे, और तौबा से तो जाहिर है वो तो सूरतुल फुरकान में आयत नंबर 70 में आया कि अगर कोई शिर्क से, जो सबसे बड़ा इस कायनात का गुनाह है, तौबा कर ले सच्चे दिल से, हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। सर सिर्फ माफ नहीं होंगे, नेकियों से बदले जाएंगे, लेकिन तौबा पक्की होनी चाहिए। पक्की तौबा, तौबा क्या है? नदामत करना, आंदा ना करने का पक्का अहद करना, फिर अहद टूट जाए फिर तौबा कर ले, फिर अल्लाह की तरफ, लेकिन इस नीयत पर तौबा ना करें कि आंदा मैं जो वो फिर कर लूंगा। वो तो कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। इसकी मैं दुनिया से मिसाल देता हूं कि जिस शख्स का एक दफा गर्म इस्त्री से हाथ जल जाए, दोबारा वो ठंडी इस्त्री को भी नहीं हाथ लगाएगा कि यार किधर पीछे लगी ना हो, थोड़ी देर पहले कोई ना ला गया हो। तो बस इस तरह का अगर आपका रिएक्शन होगा ना अपने पुराने गुनाह के बारे में कि यार वो पहले हो गया सी, हूं तो मैं करना ही नहीं, तो बड़ा आपकी तौबा कबूल। क्या बात है, मैं हमेशा कहना हूं ना कि ये जो अपनी एग्जाम्पल्स दिंदे सो ना वो बहुत कैंट होंगे। गाइज़ ये सीखी अच्छी एक वीडियो जिदे विच आपां नूं अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत वधिया गुनाह ते माफ़ी बारे अल्लाह ने की किया वो आपां नूं दस्सिया। जिहड़े बुखारी मुस्लिम दे विच इन्हां ने गल्लां दस्सियां आपां नूं दस्से सी ना पॉइंट कुछ कि आह वाले जिहड़े गुनाह वह बहुत वड्डे आ जां छोटे आ जो ये दस रहे है, वो जो मैं सुन रहा सी ना मैनूं याद आया गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 बचन, तुसीं गूगल करोगे तुहानूं दिख जाणगे, वह लगभग सारे मैनूं लगता सेम ही है। मैं हमेशा कहना हुंदा कि धर्म दे विच बहुत सारिया सिमिलैरिटीज़ हो सकदियां, जो टाइम पैंदा है ना तो जिहड़े धर्मां दे स्कॉलर्स हुंदे आ जां कुछ कमेटियां हुंदियां वो आपदे अकॉर्डिंग ना उन्हां नूं ट्रांसलेट करदियां जां उन्हां नूं कन्वर्ट करके लोगों नूं आपदे मतलब दे लई उदां दीआं चीज़ां बना दिंदे आ कि उहदे विच चेंज होना होना शुरू हो जांदा हौली हौली, ठीक है। ये चीज़ां सारे धर्मां 'च हुंदियां, पर जदों इदां दे स्कॉलर्स धर्मां दे विच होण ना तां मेरे ख्याल फिर एक वो अटूट जड़ा हुंदा ना एक रिश्ता है तुहाडा ते तुहाडे रब दा, वो मेरे ख्याल होर पक्का हो जांदा, मजबूत हो जांदा, क्योंकि जेकर विच मिक्स हो जाए काम तां वह फिर काम औखा हो जांदा। सो जिहड़े मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दे 52 बचनां दी गल कर रहा उहदे विच भी सेम यही चीज़ां दसियां गईयां, ठीक है। तां इस्लाम दे विच भी उही चीज़ां, नशा नहीं करना, निंदा नहीं करनी, चुगली का जरा दसिया इन्होंने चुगली नहीं करनी भी गुना,
ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਣਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਵੇਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।